युवा हृदय सम्राट, युवा नेतृत्व के धनी बड़े भाई सौरभ ठाकुर को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु कपिल सोनी मित्र मंडल छिंदवाड़ा। गुरु नानक देव के 551 जन्मोत्सव पर गुरुद्वारे में आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों द्वारा बड़े लंगर का आयोजन हुआ। एकता और शांति की अपील करते हुए, कोरोना से जल्द निजात दिलाने की कामना करते हुए धर्म प्रेमियों ने गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया। दिन भर लंगर चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लंगर चखा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बेनती है कि आज हमारे गुरु नानक देव जी प्रथम गुरुदेव हुए, उनका आज प्रकाश दिवस गुरुपर्व मनाया गया है। 591 551 जो वर्ष है उसका आज प्रकाश उत्सव मनाया गया है। सारी संगत ने बड़ी धूमधाम से इसको मनाया है। सभी समाज के लोग जहाँ आए हैं और लंगर छका है, लंगर तैयार है, गुरु जी का कीर्तन हुए है दरबार साहब में। और हमारा संदेश जो है सारी दुनिया को है, सारी दुनिया को एकता का संदेश देते हैं हमारे गुरु नानक देव जी महाराज, जिसमें सब समाज के जो हैं एकत्र होकर सब समाज के इकट्ठे मनाते हैं, और यही इनका संदेश था। इन्होंने जो रास्ता बनाया हमारे ग्रंथ साहब में, जो हमारा ग्रंथ है, इसमें सिर्फ गुरु के सिखों की वाणी नहीं है, बल्कि सभी भक्तों की वाणी, जिसमें जाट धन्ना छिपा जुलाहा मुसलमान कबीर जी फरीद जी सब समाज के धर्मों की इसमें वाणी है। इसलिए कोई भी किसी को मना नहीं किया जा सकता कि आप नहीं आ सकते, उन सब भक्तों की वाणी है। तो ये वाणी पढ़ के आप भी सुनने आएगा, सब संत को लाओ, हमारी जिले वासियों को और शहर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इसमें शामिल होकर उत्साहपूर्वक शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आपका नाम? सुजान सिंह। भारतीय जनता पार्टी से भाई अंकुर शुक्ला को छिंदवाड़ा नगर मंडल का अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बधाई करता अंकुर शुक्ला मित्र मंडल छिंदवाड़ा। वंशकार समाज द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन किया गया, जिसकी जानकारी वंशकार समाज के सदस्य द्वारा दी गई। आज बड़े हर्षोल्लास के साथ वंशकार समाज की जयंती हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की अमावस्या को कार्तिक पूर्णिमा की अमावस्या को पतालेश्वर धाम में मनाई जा रही है। हर वर्ष यह 15 वर्षों से हम मनाते आ रहे हैं, ये पिछले हमारे बुजुर्ग लोग कई वर्षों से मनाते आते हैं इसको। आज मिलन समारोह भी रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करा गया है, मास्क भी बिल्कुल लगा के ही कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से मनाया गया है। मैं धर्मेंद्र वंशकार, युवा संगठन से जिलाध्यक्ष। युवा हृदय सम्राट, युवा नेतृत्व के धनी बड़े भाई सौरभ ठाकुर को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छु सौरभ ठाकुर मित्र मंडल छिंदवाड़ा। छात्र महासभा द्वारा विस्तार करते हुए छात्र महासभा छिंदवाड़ा का जिला उपाध्यक्ष संदीप चौरे को नियुक्त किया गया। शैलू सेंगर जिलाध्यक्ष छात्र महासभा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार अब छात्र महासभा का विस्तार किया जाएगा।
खुशी का विषय है कि छात्र महासभा संगठन जो माननीय कमलनाथ जी का द्वारा बनाया हुआ संगठन है, उसमें आज पुनः नियुक्तियों का दौर स्टार्ट किया है हमने। और जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने आप में बड़ा गर्व और उत्साह महसूस कर रहा हूँ कि इस संगठन को दोबारा हमें काम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए फिर से साहब ने हमें आदेश दिया है कि आप इस संगठन को दोबारा स्टैंड करें। तो हमने उसी तारतम्य में आज छात्र महासभा में जिला उपाध्यक्ष के पद पर संदीप चौरेव की नियुक्ति की है और नगर अध्यक्ष के रूप पर पिंटू रघुवंशी जो कि LLB के स्टूडेंट हैं उनकी नियुक्ति की है हमने। और मैं इनको शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग मिलकर संगठन के माध्यम से कमलनाथ जी के हाथों को और नकुलनाथ जी के हाथों को मजबूत करें।